अभी भाई छत के ऊपर चढ़ चुके हैं पकड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि इसके ये लगता है कि पैर बंधे हुए हैं कुछ हद तक। अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। भाई साइड पे छुप के खड़े हुए, पीछे से सारे विजन नीचे सुकून से बैठा हुआ है। फाइनली जी पिजन हमने पकड़ लिया है, अपने सारे उड़ के ऊपर चले गए हैं, वो जाके ऊपर बैठ गए हैं। ये भी वो पिजन है जो हमने पकड़े थे, मैंने पर बांध दिए। और ये देखें इसको ना किसी बैरी वगैरह शिकरे वगैरह ने मारा है उड़ते हुए ना, इसके नीचे ज़ख्म है, पायोडीन वगैरह लगा दिए, इंशाल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा। अच्छा खासा ज़ख्म है और पीछे इसके ना टेल में भी लगी हुई है। ये देखें सारे इसके पर बहुत ज़्यादा इस पर खून लगा हुआ है, ये देखें। तो बरल माशाल्लाह है बहुत ज़बरदस्त। अभी दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने यहाँ पे आगे से इसके गड्डू वगैरह दे दिए। उसकी इस वजह क्या है कि सामने वो पिजन के बेबी पड़े हुए और डायरेक्ट उनको धूप लग रही थी, तो इससे ये एक्सपायर भी हो सकते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिल्कुल फिट हैं। आज की डेट में हमने दो पिजन पकड़े हैं। ये एक बैठा हुआ है ना लाहौरी, इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें एक पिजन ये है जो अभी हमने पकड़ा है ये, और एक वो है वो सामने, वो पहले से घर में उतरा हुआ था तो हमने पकड़ लिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने दो दो पिजन पकड़े हैं, काफ़ी दिनों के बाद चिड़ी मारी हुई है हमारी। अस्सलाम वालेकुम, इस उम्मीद के साथ के तमाम दोस्त अल्लाह रब्बुल के फलो करम से खैरियत होंगे। तो आ चुके हैं नए व्लॉग के साथ। यार आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि बादल आना स्टार्ट हो गया, तो अल्लाह करेगा कि थोड़ी बहुत ठंड हो जाएगी। लेकिन जिस तरह सुबह से गर्मी थी ना भाई साहब, मैं सेटअप की तरफ आई नहीं, बस थोड़े से काम वगैरह थी, ये पानी वगैरह इनको दाना वगैरह डाला और चला गया, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी आके माशाल्लाह मौसम थोड़ा सही होते जा रहा है। अभी देखें जी साइड पे माशाल्लाह से बादल आना स्टार्ट हो गए हैं, इस साइड पे अभी भी बिल्कुल इसी तरह है, और सूरज अभी बादलों में आता जा रहा है। लेकिन गर्मी पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और इस साइड पर सारे परिंदे माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, बच्चे भी, कॉकटेल वाले भी। और फिंचेस का यार मुझे चेक करना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने फिंचेस का नहीं चेक किया कि इनके जो बच्चे निकले हुए थे वो ठीक हैं, किधर गए किधर नहीं, क्योंकि पहले भी दो बच्चे मैंने आपको दिखाए थे कि गायब हो गए थे। बाकी लवबर्ड का बच्चा मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें सामने उसने सर निकाला हुआ है पटकी में से, शायद ये भी बाहर आ जाए, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक बाहर निकलता है। लेकिन ये देखें ना अभी मटकी में से सब, वो देखें सर निकाल के बैठा हुआ है, तो ये भी गुड न्यूज़ कि जल्दी ये भी बाहर आने वाला है। किधर गया वो, फिर आ गया ऐसे देख के ना हमारे साथ खेल रहा है, तो इनको बैठने देते हैं और चलते हैं इस साइड पे। कॉकटेल को देखें, कॉकटेल बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब मैंने देखा ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने नीचे पानी वगैरह लगाया, इनका पानी भरा और आगे से इस तरह से इनका पर्दा वगैरह मैंने दे दिया ताकि डायरेक्ट धूप इनको ना लगे। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सारे मज़े से बिल्कुल बैठे हुए हैं। मेल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो बॉक्स में ही पड़ा हुआ है, फीमेल बाहर बैठी हुई है। और पट्ठे भी माशाल्लाह यहाँ पे बिल्कुल फिट है, क्योंकि यहाँ पे प्लकिंग वाला सीन नहीं है। कॉकटेल वाला जो ये फैसला था, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है। अब मुझे ये है कि यार मैं शायद पहले ये कर लेता तो काफ़ी सारा मेरा नुकसान ये ना होता, क्योंकि मैं डेली बेस पर ये सोचा था कि यार ऐसा ना हो, कुछ ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को देख के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े में है, पट्ठे भी और बड़े भी। तो ये वाली जो चीज़ थी ना, ये मुझे पहले करनी चाहिए थी। वो देख लेते हैं, कोई अंडा नहीं जी, मुर्गे में कोई अंडा नहीं आया। और इस साइड पे यार ये भी अब गर्मी वाला परिंदा है, इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता में परदे वगैरह हम खोल देंगे, कम कर देंगे। एक फीमेल बैठी हुई है बच्चों के ऊपर और बाकी एक अंडों के ऊपर, और बाकी से सारे घूम रहे हैं मज़े से। और यहाँ पर देखें खुडे की क्या हालत बनी पड़ी है, जहाँ पर जो खुडा था हमने सारा तोड़ मोड़ दिया, इसी बस सफाई रहती है, ये सफाई वगैरह करके ना ये सारी जगह क्लीन कर देंगे। और इस साइड पे भी हमें ग्रास वगैरह लगाना है, इंशाल्लाह जल्द वो भी लग जाएगा। बाकी इस साइड पे देखें इसको भी खुला हुआ है, ये दोनों बाहर, इनको आज मैंने मुर्गी को अंदर छोड़ा था कि इसको हम बाहर नहीं निकालते, लेकिन इसने इतनी ज़्यादा लड़ाई की है, इतनी ज़्यादा लड़ाई की है कि मजबूरन मुझे इसको बाहर निकालना पड़ा है, उसकी वजह से ना अभी ये बाहर ही है। यार काफ़ी टाइम से मैं एक चीज़ के बारे में सोच रहा था, डक्स के बारे में, और यहाँ से मुझे नहीं मिल रही थी। कल है मंडी, मुझे जाना है सिटी, काम भी है, तो इंशाल्लाह जाएंगे मंडी पे जाके देखेंगे, अगर तो हमें मिल जाती है।
कोई अच्छा सा बियर मिल जाता है जो ब्रीडर हो और ख़ूबसूरत हो, तो इंशाल्लाह कल जाके हम डक्स भी ले आएंगे अपने सेटअप पे। मुझे बहुत ज़्यादा है शौक लगी हुई है, काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मुझे नहीं मिली नज़दीक कोई इस तरह का पेयर, लेकिन इंशाल्लाह कल जाके देखेंगे, अगर मंडी पे मिला तो ज़रूर ले आएंगे। अभी मैं बकरियों को देखने आया था यार, इशू ये बना हुआ है कि ये जो चर्सी है ना, ये पिछले कुछ दिनों से इसको मोशन लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा ना ये डिस्टर्ब चल रहा है, उसको देखने के लिए आया था। ये सारी अंदर गए हुए थे, अभी बाहर आ गए हैं। वो देखें रानी सामने दरवाजे में खड़ी हुई है। अब ये ईंटें वगैरह निकालनी है क्योंकि अब जाली वगैरह लगी हुई है, गर्मियाँ आ गई हैं, तो हवादार कमरा है, हर तरफ से हवा इसमें आती जाती रहती है। यहाँ पे भी है एक बारी इस तरह की, यहाँ पे जगह बनी हुई है, तो जाली भी बिल्कुल फिट होके लगी हुई है, कोई इशू नहीं है। और ये भी खोल देंगे इंशाल्लाह। बाकी चर्सी को देखना तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन यार अभी तक है से इसको मोशन लगी है और वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मेडिसिन वगैरह यूज़ करवाई, डॉक्टर भी आया था, तो पहले से है बेहतर। डायमंड को मैंने अभी खुला छोड़ दिया है क्योंकि ये दो दिन से बंद था। सुबह मैंने इसको निकाला था, खाना वगैरह खिलाया, पानी पिलाना था, जिस वजह से मैंने इसको निकाला है। अभी पानी पिला के इसको बंद कर दूंगा और बाकी इस साइड पे चलते हैं। आज मैं इन सबको क्लोज़ नहीं करने वाला, उसका रीज़न ये है कि रात को मैंने इनको इसी तरह रखा था, सिर्फ इनके पर्दे नीचे थोड़े थोड़े कर दिए थे, इधर इतना ज़्यादा नहीं, तो ये बिल्कुल फिट रहे थे, इनका कोई इशू नहीं था और ये इनसे ज़्यादा मज़े में थे। आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मैंने सोचा कि इनके पर्दे बंद नहीं करूँगा, जिस तरह अभी ये खुला हुआ है ना, इसी तरह ये खुला हुआ भी रहेगा। और रही डव, तो वो भी इसी तरह खुली रहेंगे, उनको भी आज क्लोज़ नहीं करने वाले। मुर्गी ने अंडा दे रखा है, वो सामने पड़ा हुआ है, आज ये अंडा भी उठाते हैं और शायद हो सकता है दोस्त को या सारे अंडे उठा देंगे, क्योंकि 9-10 अंडे हैं, या फिर मुर्गी ले आएँगे। बाकी डव की ये कंडीशन बनी हुई है कि एक टोकरी में 3 बैठी हुई हैं, बाकी सारी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से बैठी हुई हैं। तो अभी मुझे ये करना था कि इनको देखने आया था क्योंकि इन्होंने शोर मचाया हुआ था, मैंने कहा शायद लड़ाई करें ये बड़ा वाला बियर इनके साथ। ब्लैक वाली सील को इस साइड पे क्लोज़ कर दिया है, सील वाला मुर्गा भी खुला हुआ है, उसको भी क्लोज़ करना है। बाकी ये वाले चूज़े ये तो शाम के बाद ही जाके बंद होंगे। और इस साइड पे जाली की ये हालत हुई है, ये सारी टूट फूट के शिकार हो गई है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो खुड्डा हमने बनाया था ना, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, तो इंशाल्लाह इसको फिक्स कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बाकी इसका कोशिश कर देंगे जल्द से जल्द इसका प्लास्टर का काम कंप्लीट करवा दें सारा का सारा। और डायमंड आ जाओ आ जाओ, क्या हो गया डायमंड? डायमंड भाई अभी घूम फिर के आ गया है और अब माशाल्लाह डायमंड का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और डायमंड बहुत ज़बरदस्त हो गया है। अभी तक इसके नए पर नहीं आ रहे, पुराने पर नहीं झाड़ रहा, पता नहीं क्या वजह है, हो सकता है कि जल्द इंशाल्लाह इसके नए पर आ जाए। डायमंड बैठा है, देखते आता है या नहीं। आ गया शहजादा आ गया मेरे पास। अब दूसरा वाला जो बच्चा है उसको भी माशाल्लाह से टेम कर रहे हैं, वो भी रिस्पांस अच्छा दे रहा है, बाकी देखते हैं क्या बनता है। और अब ये अंडा भी उठाना है यार, आपको मैं इधर बिठाता हूँ, आप इधर बैठो, जल्दी से अंडा उठा लेते हैं, ऐसा ना हो रात को मुर्गियाँ तोड़ दें। नीचे नहीं बैठना भाई साहब, गए ऊपर जाके बैठ गए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम वगैरह हमने फाइनल कर लिए, टाइम मेरे साथ वास आ गया है। अब इसको पानी वगैरह पिलाना है, इसको बंद करना है, और जो बाकी सीन था मुर्गियों का उनको सबको मैंने बंद कर दिया है, इनको मैं बंद नहीं करने वाला आज रात को, इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या सीन बंद है। तो बहरहाल मौसम अब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, इतना ज़्यादा मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड कम ही होती है, तो इनको बस खुले ही रखेंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखेगा, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़ फ़िमान अल्लाह। और जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डायमंड को आज मैं इधर ही बंद करूँगा, डायमंड का हमने केज शिफ्ट कर दी है इस साइड पर क्योंकि अंदर ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और गन भी बहुत ज़्यादा करता था, तो घर वालों ने कहा कि इनको केजेस में शिफ्ट कर दिया, मौसम ज़बरदस्त हो गया तो इस वजह से इसको मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा, ज़्यादा इशू भी नहीं बनेगा, डरेगा भी नहीं, तो इसको अब इधर ही रखेंगे इंशाल्लाह कॉकटेल के साथ।